Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंजलि, अब भी टाइम है तुम्हारे पास, जा अंदर, सब कुछ सच बता दे कि तूने जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ है। झूठ है? झूठ? तुमने झूठ बोला था? मतलब प्रीता सच कह रही थी? सच कह रही थी। रियली सॉरी, आप सबको यहाँ पर आना पड़ा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, गड़बड़ कर दिया ना मैंने। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप लोग यहाँ पर आए और मुझे ऐसे देखें। प्रीता, प्लीज प्लीज सॉरी मत बोलो। मैंने घर का नाम बदनाम किया। तुम कभी लूथरा फैमिली का नाम खराब कर ही नहीं सकते। तुम तो हमारे परफेक्ट बच्चे हो, हमारा कितना ख्याल रखते हो। बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है ना उस अंजलि की वजह से हुआ है। उस अंजलि ने ही झूठा इल्जाम लगाया तुम पे। और बेटा, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी तो एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए। क्या हुआ? वो एक्चुअली जीज डैडी जी लॉयर के पास गए थे, पर उन्होंने आपका केस लेने से मना कर दिया। इनफैक्ट एक बात बहुत ही अजीब लगी हमें कि जब हम मलकानी जी के पास गए तो उन्हें आपके केस के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही पता था। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की। आई एम श्योर ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी और ने पहले से उन्हें दे दी है। इन्फॉर्मेशन पहुंची तो पहुंची, कैसे पहुंची वो टेंशन की बात नहीं है। बात ये है कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस किसी लॉयर ने ये केस लिया वो ये केस हार जाएगा। मीडिया ने तो बातें करनी शुरू कर दी, मीडिया ट्रायल बना के रख दिया इस केस को, जजमेंट्स पास कर दिए कि ऋषभ लूथरा एक मुजरिम है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मीडिया तुझे जानती है, पहचानती है, आज से नहीं बरसों से वो जानती है कि ऋषभ कैसा है, बिजनेसमैन है, फिर कैसे बोल सकते हैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा। अंजलि, तुमने अंदर जो कुछ भी बोला सब झूठ था। नहीं अर्जुन, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। तो प्रियंका क्या कह रही थी फिर अभी कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला अर्जुन, मैंने सिर्फ एक सच छिपाया है। कौन सा सच? जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या मैंने भी ड्रिंक की थी ऋषभ के साथ, तो सिर्फ मैंने ये सच छिपाया कि मैंने नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं ये बोल देती ना अर्जुन तो वो लोग मुझे गलत लड़की समझते। और सच बात तो ये है कि ऋषभ ने ही खुद ड्रिंक ली थी। अर्जुन प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अगर उनसे ये सब बातें बोलती ना तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाते, क्योंकि अर्जुन हमेशा सारी गलती तो औरतों की होती है ना। डैड, मम्मा को संभालो प्लीज। राकेश जी, रोइए मत, आप ऐसा करेंगे तो उसका दिल बैठ जाएगा ना। आप तो तसल्ली देने आई हैं कि रोने? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो मुझे? बिल्कुल भी रोना नहीं। आपको पता है मैं ऐसे माँ बाप का बच्चा हूँ जिन्होंने जिंदगी में कितना कुछ सहा, बावजूद इसके अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। आपको पता है मम्मा, जब मैं लाइफ में कभी लो होता हूँ ना तो मैं आपको देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी ताकत हो। मैं आपको देखता हूँ ना, मैं एकदम सही हो जाता हूँ, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगा? आप बताओ, हमारे परिवार ने कितना कुछ सहा है, सहा है ना, वो कैसे सहा है? क्योंकि हम सब लोग साथ में थे, एक साथ थे ना हम लोग सब, अब भी साथ में रहेंगे, ठीक है? I promise you, मैं घर वापस आऊंगा। आप सिर्फ इतना करना, मुझ पे ना विश्वास करना कि मैं लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप का सर झुके या मेरे घर की बदनामी हो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। अपने आप से ज्यादा मुझे तुझ पे विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कभी करना तो दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे गर्व है तुझ पे, तू लूथरा खानदान का नाज है। हम सबको विश्वास है, तू ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैंने नहीं किया मम्मा, कुछ नहीं किया मैं। ये गलतफहमी जो कुछ भी चल रही है ना सब दूर हो जाएगी।
और मेरा बेटा बहुत जल्द घर आ जाएगा। तू बिल्कुल टेंशन ना लेना, तू बहुत जल्दी घर आ जाएगा। वापस हलवा बनाऊं और मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। जरूर ले आऊंगी। श्रेष्ठी, कुछ लोग ये सोचते कि मेरी गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैंने ही गलत कपड़े पहने थे, मैंने ही उससे गलत तरीके से बात की होगी और मैंने कुछ गलत नजरे से देखा होगा उसे, इसीलिए उसने मेरे साथ ये किया। नहीं अंजलि, तुम प्लीज ये सारी चीजों के बारे में मत सोचो। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ओके? दुनिया चाहे कुछ भी बोले तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत चीज नहीं सोचूंगा। अंजलि, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्या? इनफैक्ट इस दुनिया में हर एक इंसान ने मुझसे झूठी बोला है, मुझे बस धोखा ही दिया है। सिर्फ एक तुम हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ओके? ट्रस्ट मी, मैं लॉयर के पास जा रहा हूं, ओके? हाँ तुम जाओ, मैं अंजलि को घर छोड़ दूंगी। थैंक्स। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना और मेरे साथ इमोशन होने की भी कोशिश मत करना, दूर रहो मुझसे। करीना बुआ, आप चाहे कितने भी कठोर बनो, आज मुझे यह एहसास हो गया कि आपके सीने में भी दिल है और उस दिल में ऋषभ जीज के लिए बहुत सारा प्यार। ऋषभ जान है मेरी, लूथरा फैमिली का पहला बेटा मेरी आंखों के सामने पैदा हुआ था। जब ऋषभ हंसता है ना तो मैं हंसती हूँ, जब वो मुस्कुराता है तो मेरा दिल मुस्कुराता है। उसका मिसचीफ, उसका हंसना, उसका खेलना सब मैंने देखा है, लेकिन जब मेरा ऋषभ रोता है ना, जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो मेरा दिल रोता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।